किसी के पास और आपने टाइम निकाला है इस मूवी देखने, इस मूवी को देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे पास टाइम है, हम नहीं, वो तो टाइम निकाला वो तो ये सही बात है, हमको दूसरा कुछ प्रोग्राम था, लेकिन ये बोला कि ये मूवी देखना चाहिए, ये मेरे धर्मपत्नी का ही है, धर्मपत्नी ने कहा नहीं ये अपने को देखने का ही है, मैंने बोला कि चलो। कैसा लगा मूवी? अच्छा लगा, ठीक है। आपको कैसा लगा आंटी? अच्छा लगा। आपने टाइम नहीं है किसी के पास, मूवी का नाम है, आपने टाइम निकाला है? टाइम निकाला तो निकाल सकते हैं। खुशी से निकाला या फुर्सत से? नहीं, खुशी से निकाला। नहीं, रियली इट्स वंडरफुल मूवी, नाइस टू वॉच इट। क्या कहना चाहेंगे राजपाल यादव सर? नहीं, बहुत बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने काम किया है और जिंदगी का एक अच्छी फिलोसॉफी उन्होंने बताई है। टाइटल भी अच्छा है और ये लोगों ने ऐसे ही एग्जाम्पल दिए कि आप लोगों को, हम लोगों को भी मालूम पड़ता है कि कैसे ये न्यू जनरेशन, जो ओल्ड जनरेशन का कैसा फॉलो करते हैं, ये करते हैं, तो बहुत अच्छी थी। सेम नाइस मूवी इज अ नाइस एंड टाइटल इज नाइस एंड द डिफरेंस बिटवीन द जनरेशन ओल्ड एंड न्यू फिल्म इज दैट ओनली एंड इट शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी ओल्ड एंड न्यू। जनरेशन गैप भी दिखाया और बढ़िया है और के आज के मुताबिक, आज के मुताबिक जो है ना कि वो अपना थोड़ा भी चेंजेज भी होना चाहिए, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। टाइम इज मनी एंड टाइम इज नो वेस्ट टाइम। समझ जो समझ है ना, जो बहुत टाइम मत खराब कर। जो स्टोरी है, जो सर में हर एक फैमिली का जो रिलेटेड है, जो भी जो रिश्तेदारी, जो रिश्ते होते हैं, भाई भाई का है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। भाई का कैसे इज्जत करना चाहिए और बच्चों को कैसे हमें बिलीव करना चाहिए, अपने पढ़ाई के साथ में हमारा कल्चर भी देखना चाहिए और टाइम का भी बचत होना चाहिए। ये पिक्चर जो है ना, बहुत हार्ट को बहुत टच हुआ, बहुत बढ़िया पिक्चर है और सुपर हिट होना चाहिए पिक्चर मेरे हिसाब से। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वाकई बधाई के पात्र है, एकदम अलग सब्जेक्ट लिया है और बिल्कुल सच्चा सब्जेक्ट है। आजकल जनरेशन गैप की लड़ाई इसमें बताई गई है और युवा लोगों की सोच और बुजुर्गों की सोच का टकराव दिखाया गया है और जो हकीकत है आज के ज़माने की, घर घर की हकीकत बताई गई है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये ज़रूरी भी है, आज के ज़माने में ज़रूरी भी है, हर घर में वैसा होता ही है कि बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। आज के युवा लोगों का बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्ग लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई युवा लोगों को पढ़ाने में लगाते हैं और युवा लोगों को उनकी देखभाल के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, बहुत अच्छा लगेगा। जो मारवाड़ी लोग देखो, माँ बाप को थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि आजकल के बच्चे लोग जो है उसको उसके हिसाब से रहने भी देना चाहिए। क्या मैसेज मिला आपको? अच्छा मिला, मेरे को तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। टाइम नहीं हो उससे अच्छा सब है, टाइम नहीं है बच्चे को पास, टाइम नहीं रहता। आज हमने निकाला देखने के लिए, नहीं बहुत मस्त पिक्चर, एक बार देखना जरूरी है। आज के ज़माने में क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं, हकीकत में टाइम क्यों नहीं है वो समझाया, टाइम क्यों नहीं है करके माँ बाप भी समझना चाहिए। समझ में आज का लोग बोलते टाइम नहीं, अपन से बच्चे ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, लेकिन अपन नहीं जानता कि बच्चों क्या प्रॉब्लम है, बस यही सोचता है बच्चे ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। आज के ज़माने में बस ये, हाँ ठीक, पापा टाइम नहीं है, पापा टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, बहुत सुंदर पिक्चर बनाई है, कंटिन्यूटी बहुत सुंदर है और देख करके खूब आनंद आया है, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। इसके लिए जितने भी शब्द बोले वो कम पड़ते हैं, ब्यूटीफुल मूवी। इसके लिए मैं सबको जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये पिक्चर को जो है दो बार तीन बार देखने लायक है और देखना ज़रूरी है, बहुत सुंदर बनाई गई है ये, अच्छी है। अभी के ज़माने में जो हो रहा है ना वो हकीकत पिक्चर में दिखाई, ठीक है पिक्चर चली नहीं है जो भी मतलब, लेकिन थीम बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत अच्छी लगी पिक्चर, देखने लायक है। मैं मनीष महेश्वरी फिल्म का प्रोड्यूसर, ये एक पारिवारिक फिल्म है और आज जितने भी सीनियर सिटीजन आए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय इसके लिए निकाला। और जब तक परिवार के बड़े नहीं आते तो पारिवारिक फिल्म पूरी नहीं होती और आज हमारी पारिवारिक फिल्म
पूरी हो गई, सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, कीमती समय दिया। और ये फिल्म बनाते हुए हमें ऐसा लगा कि भाई ज़्यादातर बड़े बैनर की पिक्चर रिलीज़ होती है, लेकिन सबका सपोर्ट हो तो पिक्चर अच्छी चल जाती है। आज सबका सपोर्ट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर आप सवाल ही नहीं है, इसको कोई